अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर के एक मोस्ट फेमस एंड मोस्ट रेनाउंड इंग्लिश पोइट की पोइट्री अराइवल ऑफ मानसून को डिस्कस करेंगे। और उनकी पोइट्री से पहले हम लोग उनकी पोइट के अबाउट जो है उनकी बायोग्राफी को देखेंगे और उनके बायोडाटा को देखेंगे और फिर जो है उनकी पोइट्री के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ चलेंगे। सो तौफीक रफत जो कि पाकिस्तान के मोस्ट फेमस एंड मोस्ट रेनाउंड इंग्लिश पोइट हैं और ये फर्स्ट राइटर एंड ऑथर हैं और इन्होंने जो है इंग्लिश में अपनी पोइट्री को अपने वर्क को कंपोज किया और इनकी जो राइटिंग है ये वो इन बिल्कुल जो है पाकिस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। उनके अपने राइटिंग में उन्होंने पाकिस्तान के कल्चर की यूनिकनेस इनका उसका जो है क्लोज रिलेशन जो है अपना राइटिंग के अंदर प्रेजेंट किया, ठीक है। और इसीलिए इनको जो है कंपोजर ऑफ पाकिस्तानी ईडियम्स भी कहा जाता है, क्योंकि अब पाकिस्तानी ईडियम्स क्या मतलब है कि जो पाकिस्तानी नेस को शो करना अपनी पोइट्री के अंदर, ठीक है, पाकिस्तान का ईच एंड कॉमन कल्चर, ठीक है, जो बिल्कुल डिपिक्ट करते हैं अपने सोसाइटी को, किस तरीके का हमारा कल्चर है, किस तरीके की जो हमारी जो है चीज़ें हैं, हमारा जो नेचुरल वे है, ये तमाम चीज़ें जो है उन्होंने अपनी पोइट्री के अंदर डिस्कस की और बिल्कुल जो है क्लोज रिलेशन जो है उन्होंने अपनी पोइट्री के अंदर दिया है पाकिस्तान का, ठीक है। तो इसलिए जो है और इनकी जो पोइट्री होती थी वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है क्लियरली और बहुत कॉमन जो है चीज़ों पे जो है कंपोज होती है, ठीक है। पाकिस्तान जो अगर हम इनकी पोइट्री देखेंगे या हम रीड करेंगे, अभी हम जो पोइट्री पढ़ने जा रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इजी है और क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है। और फिर जो हमें उसमें भी जो हमें पूरा के पूरे पाकिस्तान की जो पिक्चर है वो रिफ्लेक्ट कर रही है, उसके जो है लोकलनेस जो है पाकिस्तान के कल्चर की वो उसमें रिप्रेजेंट हो रही है। और तौफीक रफत की जो पोइट्री है, उनका जो वर्क था, उनकी जो राइटिंग्स थी, उससे जो है बाकी ऑथर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है और उनकी राइटिंग के थ्रू जो है बाकी ऑथर भी इन्फ्लुएंस्ड हो गया। उन्होंने अपनी जो है इंग्लिश वर्क स्टार्ट किया। तो ये थोड़ी बहुत बायोडाटा था तौफीक रफत के अबाउट। अब जो है हम इनकी पोम अराइवल ऑफ मानसून को डिस्कस करेंगे लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन के थ्रू। तो पहले तो अराइवल ऑफ मानसून जो पोम है, हम उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे कि पोम अगर नाम से ही हम देखें अराइवल ऑफ मानसून, तो इसमें रफत ने जो है मानसून जब पाकिस्तानी कल्चर के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जब मानसून आते हैं तो उसकी कंडीशन बताई है कि किस तरीके से जो है मानसून आके हमारे वेदर को, हमारे क्लाइमेट को चेंज करता है, हमारी जो इन्वायरमेंट है और हमारी सोसाइटी को चेंज करता है, वो क्या जो इफ़ेक्ट लेके आता है ना सिर्फ इन्वायरमेंट के अंदर बल्कि जो पीपल्स की जो पीपल्स के अंदर भी, और वो किस तरीके से हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं, उनको बिल्कुल चेंज कर देता है वो। और उन्होंने जो है एक रिफ्लेक्शन दिया है, एक ट्रू इमेज प्रेजेंट की है हमारी इस पोइट्री के अंदर उस मानसून की, कि जब मानसून पाकिस्तान के अंदर आता है तो फिर जो कल्चर है या हमारा जो सोसाइटीज़ हैं वो किस तरीके से जो है नज़र आ रही होती हैं, किस तरीके, तो फिर वो डिपिक्ट जो है तौफीक रफत ने अपनी इस पोइट्री के अंदर किया है। ओके, द फर्स्ट थ्री लाइन ऑफ अराइवल ऑफ मानसून, ठीक है। हम अराइवल ऑफ मानसून एक ऐसी पोम है जिसमें तौफीक रफत ने बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड टोन रखी है और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक टोन है, ठीक है। एनर्जेटिक एंड लाइट हार्टेड देखा जाए तो मानसून जो है ये दोनों ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं कि वो हमारे जो सोल्स हैं उनको बिल्कुल लाइट हार्टेड कर देते हैं, ठीक है, रिफ़्रेश कर देते हैं, फुल ऑफ इन्जॉयमेंट कर देते हैं, जॉयफुल कर देते हैं, हमारी सोल्स को रिफ़्रेश कर देते हैं और एनर्जेटिक कर देते हैं हमारे सोल्स को। तो जो राइटर ने जो अपने वर्ड्स चूज़ किए हैं या अपने जो जिस तरीके से अपनी पोइट्री को कंपोज किया है वो भी बिल्कुल जो इसी मैनर में किया है कि हमें जो है एक
अगर हम उस पोएट्री को पढ़ेंगे तो हम बिल्कुल जो है अपने आप को उसी इमेज के अंदर या फिर उसी सिनेरियो के अंदर अपने आप को फील करेंगे, ठीक है। तो ये एक यूनिकनेस है तौफीक रफत की कि वो बिल्कुल जो है अपने जो रीडर्स होते हैं उनको अपने उस वर्ल्ड में ले जाते हैं जहाँ पे वो बिल्कुल एक इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अपनी पोएट्री को कि वो बिल्कुल जो है क्लियर पिक्चर हमें उस मोमेंट की या उस सिनेरियो की नज़र आ रही होती है, ठीक है। और अगर हम इस पोम को एक ये सिंपली जो है एक मानसून का सीज़न को डिस्क्राइब कर रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो हम इसके दो पर्सपेक्टिव के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और दोनों पर्सपेक्टिव में एक अगर सिंपली ये पोम एक ब्यूटीफुल पोम है जो कि हम एक वेदर कंडीशन को डिस्क्राइब कर रही है और उसके जो चेंजेस आ रहे हैं उसको डिस्क्राइब कर रही है, लेकिन अगर थोड़ा डिफरेंट वे से इस पोम को देखा जाए तो वो भी हम लोग जो इसमें डिस्कस करेंगे। तो द फर्स्ट थ्री लाइन्स ऑफ अराइवल ऑफ मानसून आर बिफोर द थर्स्ट ऑफ दिस लिबरेटिंग विंड वट एवर इज नॉट फिक्स्ड हैज़ अ प्लेस टू गो स्ट्रेन नॉर्थवर्ड्स टू द कॉनिफरस लैंड, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन से पहले हम थोड़ा अगर वर्ड को देख लें लिबरेटिंग विंड, कि लिबरेटिंग विंड किस लिबरेटिंग का मीन क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ से जो है हमें रिहाई मिल रही हो, ठीक है, हमें फ्रीडम मिल रहा हो, हम किसी भी चीज़ से भाग रहे हो या फिर बच के जो है हम उससे उस चीज़ से आज़ादी मिल रही हो, ठीक है। इस तरीके के जो इस सेंस में जो है हम लिबरेटिंग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर लिबरेटिंग विंड आ गया है तो क्यों इधर लिबरेटिंग विंड जो है उन्होंने एक राइटर ने यूज़ किया है पोइट ने कि लिबरेटिंग विंड जो है इधर एक उस विंड को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि फ्रीडम को लेके आ रही है, ठीक है। अब किस तरह की वो फ्रीडम है वो हम देखते हैं। अगर हम मानसून के सीज़न को डिस्कस करें तो मानसून से पहले जो हमारा सीज़न होता है समर सीज़न, जो कि एक बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड वेदर होता है, मेसी वेदर होता है, बहुत ज़्यादा डलनेस होती है उसमें और हमारी जो सोल्स होती हैं वो बिल्कुल नियर टू डाई होती हैं, वो बिल्कुल उनमें डलनेस हो जाती है, हर चीज़ जो है हमें बहुत बुरी लग रही होती है, ठीक है। हम उस चीज़ से निकलना चाह रहे होते हैं, ठीक है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा मैसअप हुई हुई होती है और वो चीज़ें हमें जो है बिल्कुल डिजायर कर रही होती है उन चीज़ों से। और फिर जो है पोइट क्या कह रहे हैं कि एक लिबरेटिंग विंड आ रही है, ठीक है। अब लिबरेटिंग विंड जो है एक फ्रीडम लेके आ रही है, वो अब वो विंड जिससे ओके लिबरेटिंग विंड इधर जो यूज़ हुआ है वर्ड वो किसके लिए यूज़ हुआ है, मानसून के अंदर जो मानसून की जो विंड होती है उसके लिए यूज़ हुआ है, जो कि एक पूरे एनवायरनमेंट को पूरे सराउंडिंग्स को चेंज कर रहा है, ठीक है। हमारे जो पीपल्स हैं ना सिर्फ उनको बल्कि हमारे क्लाइमेट को भी चेंज कर रहा है, वो एक बिल्कुल जो है रिफ्रेशिंग मूड उनके लिए लेके आ रहा है, ना सिर्फ उस लैंड के लिए बल्कि उस पीपल के लिए भी। तो उसमें राइटर ने उसके लिए एक लिबरेटिंग वर्ड विंड यूज़ किया है। वट एवर इज़ नॉट फिक्स्ड हैज़ अ प्लेस टू गो, अब वट एवर इज़ नॉट फिक्स्ड मीन्स ऐसा सीजन जिसमें बहुत ज़्यादा डलनेस एंड मैसीनेस ये सारी चीज़ें मौजूद थी, अब ऐसा टाइम आ गया है कि अब वो उसको वो सही होने जा रहा है, ठीक है। मीन्स अब उस लिबरेटिंग विंड के थ्रू वो जो मौसम है या उस मौसम की जो सख्ती थी अब वो ख़त्म हो के एक रिफ्रेशिंग मोड की तरफ जा रही है, एक पॉजिटिव मोड की तरफ जा रही है, पीपल्स के लिए भी और लैंड के लिए भी, ठीक है। पीपल्स एंड लैंड के लिए वो एक पूरा जो है सिनेरियो चेंज हो रहा है वो उस विंड के थ्रू। स्ट्रेन्स नॉर्थ वर्ड्स टू द कॉनिफरस लैंड मीन्स अब ऐसे कॉनिफरस लैंड इधर अगर हम देखें तो कॉनिफरस लैंड पोइट ने क्यों यूज़ किया है, नॉर्दर्न साइड अगर पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न साइड है उधर हम देखें तो कॉनिफरस ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। कॉनिफरस ट्रीज़ की जो क्वांटिटी है वो उधर बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर जो है कॉनिफरस जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पाकिस्तान की यूनिकनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न एरिया है वो फुल ऑफ कॉनिफरस ट्रीज़ है, इसलिए कॉनिफरस ट्रीज़ की जगह जो है पोइट ने कॉनिफरस लैंड यूज़ किया है।
क्योंकि वो एक ऐसी लैंड है जहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में कॉनिफ़रस ट्रीज़ मौजूद हैं। तो वहाँ से वो हवा जो है स्टार्ट होना शुरू हुई है, और उसने अब क्या किया है, वो पूरे इन्वायरमेंट को चेंज करी है। ये सिंपल जो एंड ड्रंक विथ मोशन क्लोथ्स ऑन द वॉशिंग लाइन आर रेस्ड अबव देमसेल्व्स अ फ्लैपिंग शीट टर्न्स अ रूफ कॉर्नर इनटू अ बैटलमेंट। ओके, अब इन लाइंस में पीछे पोइट क्या जिक्र कर रहे थे, एक लिबर्टीन विंड आई थी, एक ऐसी विंड आई थी जो कि अब चीज़ों को सही करने जा रही थी। ठीक है, अब उस हवा के साथ जो है हर चीज़ जो है एक मोशन में आ चुकी है, और वो उसके जो इन्जॉयमेंट है, उसका जो जॉय है, उसमें अब झूमने लग गई है। ठीक है, अब इन लाइंस के अंदर अगर हम देखें तो तौफीक रफत ने पाकिस्तान की जो है एक कॉमन कल्चर को रिप्रेजेंट किया है, हमारे हाउसेस को, कि मानसून के सीज़न में हमारे हाउसेस क्या पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, वो किस तरीके से नज़र आ रहे होते हैं, उनका क्या इमेज होता है। ठीक है, वो इन लाइंस में अगर मानसून के सीज़न के हवाले से हम देखा जाए तो हमें क्लियरली नज़र आता है कि हमारे जो हाउसेस होते हैं सोसाइटी के अंदर, वो एक साथ जो होते हैं, मोस्टली कॉमनली जो है एक साथ सबके जो है घर आपस में होते हैं। ठीक है, तो और उन घरों पे की छतों पे मोस्ट कॉमनली थिंग जो क्या होती है, हमारे जो है कपड़े जो होते हैं, हम लोग उन जो है छतों पे सूख रहे होते हैं। ठीक है, अब इन्होंने तो फिर रफत ने इधर उस विंड का जिक्र किया है कि जो विंड आई है उसने जो है उन कपड़ों को भी जो है बिल्कुल जो है उड़ा दिया है वॉशिंग लाइन से। अब वॉशिंग लाइन हमारी जो है किसको रिप्रेजेंट कर सकती हैं, ये हमारी जो हाउसेस की बाउंड्रीज, ठीक है, वो हमारी वॉशिंग लाइन भी हो सकती हैं। ठीक है, हमारे घरों की बाउंड्री जो के और उन पे जो कपड़े सूख रहे हैं, और फिर वो हवा चलने से जो है बहुत ज़्यादा तेज़ उड़ने लग गए हैं। ठीक है, अब फ्लैपिंग शीट टर्न्स अ रूफ कॉर्नर इनटू अ बेटरमेंट। अब हमारे वो कपड़े क्या कर रहे हैं, वो ऐसे शीट या फिर वो जो कपड़े वहाँ सूख रहे हैं, वो हमारा जो एक फ्लैपिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो में इतना ज़्यादा जो है हवा तेज़ हवा में मूव कर रहे हैं कि हमारे जो रूफ्स हैं वो एक बैटलमेंट का जो है मंजर पेश कर रही होती हैं, वो एक उसका सिनेरियो पेश कर रही होती हैं। अगर देखा जाए तो ये पोम जो है एक बहुत सिंपल एंड स्मूथ एंड फुल ऑफ इंजॉयमेंट, फुल ऑफ जॉय एक पोम है, लेकिन दूसरे पर्सपेक्टिव से जो हम बात कर रहे हैं इसमें पार्टीशन के हवाले से, अगर उस पे हम बात करें तो ये, और दूसरी तरफ जो पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरी साइड अगर हम दूसरा पर्सपेक्टिव देखें इस इन लाइंस का, तो पहले जो है उन्होंने इधर क्लियरली जो हमें वॉर का सिनेरियो नज़र आ रहा है कि पीछे जो इन्होंने सिर्फ वॉर का जिक्र किया, कि पार्टीशन का जिक्र किया, कि अब लोगों को एक चीज़ जो चीज़ें सही नहीं है उनको सही करने की ज़रूरत है, उनको एक न्यू होमलैंड नज़र आ रही है। ठीक है, अब अगर इधर देखें दूसरे पर्सपेक्टिव के थ्रू, तो क्लोथ्स एंड वॉशिंग लाइन हम किस सेंस में ले सकते हैं, क्लोथ्स जो है पीपल्स के उसमें एंड वॉशिंग लाइन द बॉर्डर, और वहाँ पे जो फिर जो कत्लो गारत हुआ था बहुत ज़्यादा दोनों तरफ से लोगों का, और बेदर्द से लोगों को मारा गया था, तो एक ये एक बड़ी, ये भी अगर देखा जाए तो एक ऐसी वो चली थी हवा के उसमें जो है बहुत सारे लोगों को जाने कुर्बान करनी पड़ी थी। ठीक है, तो एक ये सिंपली इधर जो है वॉर सिनेरियो रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरी तरफ देखें तो बिल्कुल ही उसके अपोजिट जो है राइटर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि वो मानसून की हवा जो है किस तरीके से जो है हमारे जो हाउसेस को जो है डिपिक्ट करती है। ठीक है, ग्लाइडिंग डेज आर ओवर, द बर्ड्स आर टोस्ट साइडवेज एंड बैक्स एंड लिफ्टेड अगेंस्ट देयर विल, दे मस्ट स्ट्रगल टू अचीव डायरेक्शंस। अब अगर इधर सिंपली हम फर्स्ट पहले परस्पेक्टिव के उससे लें, ग्लाइडिंग डेज आर ओवर मीन्स नाउ द स्मूथनेस एंड द कामनेस ऑफ द विंड आर ओवर। ठीक है, जो हमारे जो पहले विंड थी, जो समर के मौसम में हवा थी, अब उसमें जो कामनेस थी, जो स्मूथनेस थी, वो बिल्कुल अब ख़त्म हो चुकी है। अब तेज़ हवा स्टार्ट हो गई है, ठीक है, जो हवाएं नॉर्दर्न पार्ट से स्टार्ट हुई हैं
उससे क्या हुआ है कि ना सिर्फ परिंदे बल्कि जो इंसान भी जो है वो उस हवा के मोशन में जो है चल रहे हैं, ठीक है। उनको भी जो है मेहनत करनी पड़ती है और उस विंड को डायरेक्शन से मूव करने के लिए उन्हें भी जो है एफर्ट लगानी पड़ती है, ठीक है। ग्लाइडिंग डेज आर ओवर मीन्स इधर जो है सिंपली विंड की बात करें कि जो विंड में जो कामनेस थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। द पर्स आर टोस्ट साइडवेज, टोस्ट को अगर हम देखें तो टोस्ट जो है बिल्कुल इसके ग्लाइडिंग के अपोजिट है। ग्लाइडिंग मीन्स स्मूथनेस, कामनेस एंड विदाउट एफर्टलेट, लेकिन अगर टोस्ट को देखें तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा जो है इसमें हमें ज़रूरत है कि हम फिक्स्ड रोल और कि हम जो है बिल्कुल जो है फोकस्ड करके जो है अपनी डायरेक्शन को अचीव करें, ठीक है। द बर्ड्स आर टोस्ट साइड वेज एंड बैक्स एंड लिफ्टेड अगेंस्ट द विल, ठीक है। अब बर्ड्स भी जो उड़ान भर रहे हैं, पहले वो कामनेस थी, स्मूथनेस थी विंड के अंदर, तो वो इजीली अपनी जो उड़ान भर रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, तेज़ हवा जब स्टार्ट हो गई है तो अब बर्ड्स को भी जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है और वो भी जो है इधर उधर जो है मूव कर रहे हैं, ठीक है। उस वो हवा भी जो है उनको इधर उधर लेकर जा रही है, ठीक है। एंड लिफ्टेड अगेंस्ट योर विल, और फिर उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो ऐसे जगह उड़ रहे हैं कि वो फिर उनको जो है अपने विल के अगेंस्ट जो है उनको उड़ा रही है, ठीक है। दे मस्ट स्ट्रगल टू अचीव डायरेक्शन, दे मस्ट स्ट्रगल टू अचीव डायरेक्शन, ठीक है। और अब जो है पोइट क्या कह रहे हैं कि उन्हें अपनी जो डायरेक्शन अगर हासिल करनी है, ठीक है, वो अपने वो काम तक पहुंचना चाहते हैं, तो फिर उन्हें जो है स्ट्रगल करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ सो मच हैवियर विंड, ठीक है। हवा बहुत तेज़ है और अब जो है सिर्फ अगर जब हवाएं बहुत तेज़ होती हैं तो सिर्फ हमारे जो घर हैं वो भी हर चीज़ जो है तूफान में जो है हर चीज़ उड़ रही होती है, हमें भी एफर्ट लगानी पड़ रही होती है अपनी डायरेक्शंस पे पहुंचने के लिए, ठीक है। सेम एज बर्ड्स। और दूसरा सिनेरियो की तरफ अगर हम देखें, दूसरे पर्सपेक्टिव की तरफ, देन ग्लाइडिंग डेज आर ओवर, ये किस को रिप्रेजेंट करेगी कि अगर जब हम वॉर से पहले अगर चले जाएँ, सेपरेशन से पहले, तो 1947 की जो फ्रीडम मूवमेंट है उससे पहले अगर चले जाएँ तो वहाँ पे जो लोग हैं रह रहे थे, अब वो सारा जो है मूवमेंट, ठीक है, वो स्मूथनेस लाइफ की, वो कामनेस लाइफ की बिल्कुल ख़त्म हो गई, ठीक है। अब जो है लोगों ने माइग्रेट करना स्टार्ट किया है दूसरी लैंड की तरफ। पीछे अगर हम बात करें तो कॉनिफरस लैंड का जिक्र किया था पोइट ने, जिसमें हमने कहा था कि लोगों को जो है एक न्यू सरजमीन नज़र आ रही है, एक न्यू होमलैंड नज़र आ रहा है कि अब उनको जो है उधर मूव करना है, ठीक है। तो अब उस सरजमीन पे मूव करने के लिए उन्हें जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा उनको अपनी विल के अगेंस्ट भी जाना पड़ेगा बिकॉज़ उन वहाँ जो है वो अपनी एक जो उनका लाइफ स्टाइल था वो बिल्कुल अब चेंज होने जा रहा है, ठीक है। अगर वहाँ जो उनको बेसरो सामान वो लोग जो है अब माइग्रेट करके एक न्यू होमलैंड पे आए और फिर उसके लिए जो है उन्हें अब अपनी लाइफ को इस्टेब्लिश करने के लिए उन्हें एक पूरा जो है स्टार्टिंग से ही जो है मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अथक मेहनत करने के बाद वो अपनी जो है डायरेक्शंस को या अपनी विल्स को अचीव कर सकते हैं। अ वेलकम डार्कनेस डिसेंड्स, हार्श कंट्रोल्स डिसॉल्व, लूज देयर पोरोसिक कंडीशन, ऑल द साउंड्स वी हैव लव्ड आर रिस्टोर्ड। अब अगर इधर हम वर्ड देखें वेलकम एंड डार्कनेस, ठीक है, तो एक कंट्राडिक्टरी वर्ड यूज़ किए हैं पोइट ने। और अगर डार्कनेस को पाकिस्तानी कस्टम में देखा जाए तो डार्कनेस एक बहुत ही इंजॉयबल या जॉयफुलनेस जो है सेंस लेकर आती है, मींस जब भी जो है ब्लैक क्लाउड्स आ जाते हैं मानसून में वो भी, ठीक है, तो वो ये एक ऐसी डार्कनेस होती है जिससे जो है हर एक जो है ना खुश हो रहा होता है, ना सिर्फ नेचर बल्कि जो है जो पीपल होते हैं वो भी जो है इस डार्कनेस को वेलकम कर रही होती है, ठीक है। तो इसने जो है पोइट ने डार्कनेस के लिए वेलकम का वर्ड यूज़ किया, मीन्स जब भी वो ब्लैक क्लाउड्स हमें नज़र आते हैं या जब भी वो आना शुरू होते हैं तो सब जो है उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फिर जो है उसे वेलकम कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगर पाकिस्तानी कस्टम में देखा जाए तो ये बहुत ही जो है
फुल ऑफ एनर्जेटिक और फुल ऑफ जॉय जो है और फुल ऑफ रिफ्रेशमेंट जो है लेकर आ जाता है ह्यूमन सोल्स के अंदर, ठीक है। हार्श कंट्रोल्स डिसॉल्व, ठीक है। अब अ वेलकम डार्कनेस डिसेंड के अब जो है वो ब्लैक क्लाउड जो हैं आना शुरू हो गए, ठीक है। कम डाउन वो अब बढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले तेज़ हवाएं आई, अब उसके बाद जो है वो वेदर जो है बिल्कुल चेंज हो गया है समर से। अब वो पहले हवाएं आना शुरू हुई ठंडी, अब जो है बिल्कुल जो है ब्लैक क्लाउड्स आ रहे हैं और फिर वो एक वेदर की कंडीशन को बिल्कुल चेंज करें, साथ साथ जो है ह्यूमन सोल्स के जो हैं उनको भी जो है बिल्कुल उनकी सोल को दूसरे मोड की तरफ लेकर जा रहे हैं, ठीक है। हार्श कंट्रोल्स डिसॉल्व, अब इधर इन लाइन में जो जो प्रीवियस वेदर गया, ठीक है, हमारा जो समर सीजन गया उसकी जो हार्शनेस थी वो अब सम तमाम जो है वो हार्शनेस अब ख़त्म होती जा रही है, ठीक है। अब वो हार्शनेस कौन ख़त्म कर रहा है, वो लिबरेटिंग विंड, ठीक है, जो लिबरेटिंग विंड आ रही है वो डार्कनेस क्लाउड, ठीक है, वेलकम डार्कनेस जो ब्लैक क्लाउड्स हैं वो ये तमाम चीज़ों को ख़त्म कर रही हैं, ठीक है। लोज देयर पैरासिटिक कंडीशन, और फिर क्या किया है कि अब वो जो उसमें एक मिजरेबल लाइफ थी उस सीज़न के अंदर वो अब बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, और ऑल द साउंड्स वी हैव लव्ड आर रिस्टोर्ड, ठीक है। अब मानसून के सीज़न में अगर हम पाकिस्तानी कल्चर को देखें तो अगर हम उसको रिकॉल करें मानसून को, तो हर आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा हाई पिच की हो जाती है, ठीक है, और हर हमारी जो फूड स्ट्रीट्स होती हैं वो उन पर बहुत ज़्यादा रश पड़ जाता है, और फिर जो बच्चों की जो आवाज़ें होती हैं हर एक की आवाज़ में जो है खुशी झलक रही होती है, ठीक है। तो ये उन जो है वॉइसेस का जो है पॉइंट जिक्र कर रहे हैं कि हमें जो है हर आवाज़ फिर जो है अच्छी लग रही होती है, लेकिन अगर यही आवाज़ें यही सारी चीज़ें हम अगर समर सीज़न में देखें तो वो फिर हमें उससे और भी ज़्यादा वहशत होती है बस कि ये ख़त्म हो जाए, लेकिन अब वो वेदर ही ऐसा आया है, वो क्लाइमेट ही ऐसा चेंज हुआ है कि वो अपने साथ जो है उसने माइंड और बिल्कुल नेचर को बिल्कुल चेंज कर दिया है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें इसे, तो जो हार्शनेस थी लोगों के अंदर, जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो कंडीशन थी, अब वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, ठीक है। अब वो जो न्यू इसमें इन लाइन्स में जो है जो न्यू होम लैंड जो है उनकी पाकिस्तान जो है उसका लव जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोइट अगर देखे जाएँ, ठीक है। और उनके जो लाइफ में जो डार्कनेस थी अब वो भी जो है ख़त्म होती जा रही है, जो और फिर अब जो न्यू लैंड है उनको वेलकम कर रही है और उनकी डार्कनेस को जो है ख़त्म कर रही है, ठीक है, उनकी सोल्स के अंदर से उनके जो अब जो है वो एक उनको रीबिल्ड कर रही है, हम ये कह लें क्यों, क्योंकि जो वो जो लैंड है वो ऐसे साउंड्स को जो है रिस्टोर कर रही है जिसे हम सब जो है पसंद करते हैं, यूनिटी हो गई हमारी, ठीक है, मैनर्स हो गए और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत, ये तमाम चीज़ें जो हैं अब दोबारा से रिस्टोर हो गई, जो कि एक ह्यूमन सोल को जो है नीड होती है जिन चीज़ों की, ठीक है, सेम्पथीनेस एंड लव, ठीक है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि सब कॉन्टिनेंट में पार्टीशन के टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है। लोग एक मिजरेबल लाइफ से गुजर के आए थे, एक ऐसे फेज से गुजर के आए थे जहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा एक मुश्किल दौर था, लेकिन अब वो जो जिस लैंड पे आए अब वो बिल्कुल चेंज लैंड है, अब वहाँ पर जो है उन्हें ये सुकून है कि अब वो उनको जो है हर वो चीज़ मिल सकती है जिसकी वो नीड है उनको जिस चीज़ की, ठीक है, जो चीज़ उन्हें चाहिए वो उनको, तो वो लैंड उनको एक खुशी का एहसास दे रही है, ठीक है। And now the rain in sudden squall it sweep the street and equally sudden are the naked boys paddling in ditches. Okay. Now in this line, अगर हम देखें सिंपल से सिंपल का हमने शुरू में भी डिस्कस किया था कि तौफीक रफत की जो पोम है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होती हैं और उनकी जो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल होती हैं, ठीक है। अगर हम इन लाइंस को देखें पीछे और एक बिल्कुल देखें, वो बिल्कुल सीक्वेंस से चलते हुए आ रहे थे, ठीक है। पहले उन्होंने जो है
मानसून से प्रीवियस सीजन का जिक्र किया, फिर के एक वो लिबरेटिंग विंड जो स्टार्ट हुई है, अब फिर विंड्स आई हैं उनको फिर उसने सिनेरियो डिस्कस किया कि हमारी जो रूफ जो है, हमारे जो हाउसेज हैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जब तेज़ हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर वो तेज़ हवाएं क्या लेकर आ रही हैं, वो बादल लेकर आ रही हैं, और फिर जो है वो ब्लैक क्लाउड जो होते हैं जो कि हर किसी के अंदर एक खुशी भर देते हैं। अब ब्लैक क्लाउड्स भी आ गए, हवाएं भी चल गई, नाव एंड नाव द रेन, ठीक है, अब क्या आ गई, बारिश आ गई, ठीक है, एंड जो कि हर किसी को ही बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और वो रेन क्या कर रही होती है, वो रेन जो डलनेस थी लाइफ की, या जो बिल्कुल ही जो बेजार हो गए थे लाइफ से, अब वो रेन जो है बिल्कुल वो एक चेंज कर रही है, ठीक है, ह्यूमन का पर्सपेक्टिव, नेचर का पर्सपेक्टिव, ठीक है, वो उनको बिल्कुल चेंज कर रही है। अब उस डलनेस से वो रिफ्रेशमेंट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जो अनहैप्पीनेस थी वो अब हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, जो बिल्कुल बेजार हो गए थे अपने लाइफ से, अब वो जो है उनके अंदर भी जो है एक जज्बा और फिर जो है एक खुशी की लहर जो है लेकर आ रही है वो, ठीक है। मीन्स रेन क्या कर रही है, एक न्यू लाइफ लेकर आ रही है अब उस लैंड के ऊपर, ठीक है। एंड नाउ द रेन इन सडन स्क्वायर इट स्वीप द स्ट्रीट, ठीक है, अब काले बादल आ गए और उसके बाद जो है जल्दी वो इतनी तेज़ जो है बारिश स्टार्ट हो गई है कि हमारी जो है सड़कें या जो गलियां हैं हमारी वो बिल्कुल उन को धो दिया है उसने, बिल्कुल उनको साफ़ कर दिया है। और फिर वो अब हमारी जो, ये भी एक पाकिस्तानी नेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड नेक्स्ट लाइन जो है वो तो बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर जो होती है ना, क्लियर इमेज जो होती है एक सोसाइटी की और ये के पाकिस्तान के अंदर। एंड इक्वली सडन आर द नेकेड बॉयज पैडलिंग इन डीजे, जो हम बच्चे होते हैं वो बारिश को किस तरीके से इंजॉय कर रहे होते हैं, बाहर जो पानी जमा हुआ हुआ होता है बारिश के अंदर, उसके अंदर जंपिंग करना, ये सारी चीज़ें, उस पानी के अंदर खेलना खड़े हुए पानी के अंदर, और वो चीज़ उनको, वो पानी या फिर वो बारिश उनको इतना मज़ा दे रही होती है कि वो कोई और चीज़ नहीं दे सकती, ठीक है। तो ये एक जो रेन है वो हैप्पीनेस लेकर आई है, वो क्या कहेंगे, रिफ्रेशनेस लेकर आई है, और उसने जो है एक पूरी जो क्लाइमेट है या फिर हमारे सराउंडिंग्स को जो है और बिल्कुल चेंज कर दिया, ठीक है, वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ले आई, लेकिन अपोजिट जो है एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले आई। एंड दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है कि अब वो न्यू होमलैंड पे आ गए और फिर वहाँ पे जो है एक अल्लाह ताला की तरफ से जो है रहमत की जो बारिश हुई है, जिससे ना सिर्फ जो है उन्होंने, उस बारिश ने ना सिर्फ लोगों के उस वाउंड्स को भी ख़त्म किया बल्कि जो उनको इंटरनली भी जो है उनको हील किया है, ठीक है, उनको उस जो वायलेंस था उससे निकाल के लाया है अब वो, और फिर जो है एक खुशी का जो है एक्सप्लेनेशन हो रही है कि वो अपने होमलैंड पे आके बिल्कुल जो है लोग जो हैं बिल्कुल खुश हैं, ठीक है, और अल्लाह ताला की तरफ से जो ब्लेसिंग हुई, जो बारिश हुई है और उसने क्या किया है उनको उस मिजरी से एक निकालने की कोशिश की है, और लोग जो हैं अब उस खुशी को फील कर रहे हैं और वो जो है अपनी एक्साइटमेंट को, उस अल्लाह की रहमत को इंजॉय कर रहे हैं। Alive, alive, everything is alive again. Savor the rain's coolness on lips and eyes. How madly the electric wire is singing. ठीक है, इधर भी जो एक रेन का सिनेरियो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोइट, एक बिल्कुल रिफ्रेशिंग मोड जो है यहाँ पे हमें मिल रहा है पोइट का, कि जब बारिश आती है उसके बाद जो कूलनेस होती है वेदर के अंदर, जो रिफ्रेशनेस होती है वेदर के अंदर, वो हर चीज़ को अलाइव कर देती है, ठीक है, ह्यूमन सोल्स को भी, ठीक है, और नेचर को भी, हर जो ईच एंड एवरी प्लांट ट्रीज़, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल एक ऐसा लग रहा होता है जैसे अभी न्यू जो है जनरेट हुए, ठीक है, और जो सोल्स होती हैं ह्यूमन सोल की, वो बिल्कुल जो है एक उस अल्लाह की रहमत को इंजॉय कर रहे होते हैं, ठीक है, और उसकी जो रेन की जो कूलनेस है और हम जो उसको हम फील करते हैं, हमारी जो है बॉडी पे वो फील हो रही होती है, और उसको एक खुशगवार एहसास के थ्रू हम उस रेन को एंजॉय करते हैं। हाउ मैडली द इलेक्ट्रिक वायर इज सिंगिंग, ठीक है,
अब यहाँ भी जो है हमारा जो पाकिस्तानी नेस रिप्रेजेंट हो रही है इन लाइंस के, क्योंकि जो वायर्स हैं इलेक्ट्रिक वायर्स, ठीक है, किस तरीके से वो भी जो है हवा में झूलने लग जाती हैं, ठीक है, इतनी तेज़ हवाएं आती हैं और फिर वो उन हवा से भी जो है और उस वेदर के कंडीशन से वो जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं वो भी जो है झूम रही होती हैं। एंड दूसरे पर्सपेक्टिव में भी अब वो अगर देखें तो एक बिल्कुल जो एक ऐसी मिजरेबल कंडीशन से जो लोग आए हैं, ठीक है, अब वो अपनी न्यू होमलैंड पे आ गए और फिर अल्लाह की रहमत से अब उसने जो है एक हर चीज़ को जो है दोबारा से ज़िंदा कर दिया, लोगों के अंदर उम्मीद आ गई जीने की, अब वो जो है उस लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, उस अल्लाह की रहमत को एंजॉय करना चाहते हैं, उसको फील करना चाहते हैं। और फिर जो जो बारिश है उसने क्या किया है, उन सबको जो है उनकी सोल्स को हील किया है इंटरनली भी, और उनको एक न्यू लाइफ जो है दी है, ठीक है। अलाइव अलाइव एवरीथिंग अलाइव इज़ एक एज अ सिम्बॉलिक भी यूज़ हो सकता है कि ऐसे लोग जिन्होंने वार में जो है अपनी जानें दे दी, ठीक है, और उस पार्टीशन के लिए एक अपनी एक नई सरजमीन हासिल करने के लिए, ठीक है। अब इधर एक तरीके से उस सेंस में लोग यूज़ हो सकता है कि वो लोग जो हैं जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं उस सरजमीन हासिल करने के लिए, अब वो उस सरजमीन पे जो लोग मौजूद हैं उनकी कुर्बानी भी जो है रायगा नहीं गई है, ठीक है, वो लोग भी जो है अब ज़िंदा हैं और उन्हीं की मेहनत की वजह से या उन्हीं की जद्दोजहद की वजह से जो है बाकी लोग इस काबिल हुए कि वो उस सरजमीन पे आके अल्लाह की रहमत को इंजॉय कर सकें और उसकी खुशी को महसूस कर सकें, ठीक है। फ्रॉम ब्राउन वाटर्स एडिंग राउंड देयर हूव्स द ड्रेंच ट्रीज rise and shake themselves and summer end in a flurry of drops. अगेन इधर जो है पाकिस्तान के जो मैं तौफीक रफ़ी इतने ब्यूटीफुली जो पाकिस्तान की कंडीशन को उसके कल्चर को रिप्रेजेंट किया है कि किस तरीके से बारिश के बाद जो है हमारी जो सड़कें हैं हमारे जो मोहल्ले होते हैं वो फिर उन ब्राउन वाटर से भर जाते हैं। ब्राउन वाटर मीन्स बिकॉज ऑफ मड कीचड़ की वजह से वो हमारा गंदला पानी जो है जगह जगह खड़ा हो जाता है, लेकिन वो पानी जो है फिर भी जो है बुरा नहीं लग रहा होता या फिर उससे किसी को मसला नहीं हो रहा था, बिकॉज उसमें खुशी होती है जो कि हर कोई एक इंजॉय कर रहा होता है, ठीक है, बच्चे उसमें खेल रहे होते हैं उसको इंजॉय कर रहे होते हैं और एक खुशी का एहसास उनको मिल रहा होता है और एक फ्रेशनेस उनको मिल रही होती है, ठीक है। और जो ट्रीज़ हैं उनकी जो वो उस उनके लिए अब इतना पानी जमा हो चुका है कि वो अपने आप को दोबारा से अलाइव कर लें, ठीक है, तो वो ट्रीज़ जो हैं दोबारा से रिफ़्रेश हो चुके हैं, उनको इनफ वाटर मिल चुका है अल्लाह ताला की तरफ से और अब जो है वो एक बिल्कुल रिफ़्रेश उनका बिल्कुल कलर चेंज है और वो एक वो भी जो है फ्रेशनेस जो है क्रिएट कर रहे हैं माहौल के अंदर, वो एक फ़्रेश लुक प्रेजेंट कर रहे हैं माहौल के अंदर और फिर जो है ताजगी जो है लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक एंड समर एंड्स इन अ फ्लरी ऑफ ड्रॉप्स, और फिर जो है जो समर सीज़न था अब वो जो है एंड हो चुका है एक खूबसूरत बारिश के एहसास से, ठीक है, उस बारिश ने जो है उस समर को बिल्कुल जो है खूबसूरतली जो है अल्लाह ताला के जो है नेमत के थ्रू उसने एक पूरे उस समर को चेंज कर दिया, ठीक है, और इसमें फिर बहुत कामली एंड इमेजरी जो है उस जो सारी की सारी सरजमीन है, ठीक है, लैंड है और पीपल जो है वो इस बारिश का शुक्र अदा कर रहे हैं, ग्रेटिफाइड हो रहे हैं उस नेमत से, क्योंकि जो है बिल्कुल उसने जो है पूरा जो एनवायरनमेंट का जो सिनेरियो है वो बिल्कुल चेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये अराइवल ऑफ मानसून थी जिसमें जो है पोइट ने अपने जो मानसून के सीज़न को डिस्क्राइब किया और उन्होंने जो है पाकिस्तानी कल्चर को रिप्रेजेंट किया। हमने उसमें देखा कि पाकिस्तानी नेस बिल्कुल जो है पाकिस्तानी कल्चर को उसकी लोकलनेस को उसकी यूनिकनेस को जो है उन्होंने तौफीक रफ़त ने जो है हाईलाइट किया, ठीक है, उसकी जो पाकिस्तान की जो मेन चीज़ें हैं किस तरीके से उनको जो है बिल्कुल
हमें क्लियर पिक्चर जो है पाकिस्तान की उसमें हमें नज़र आई, ठीक है, अराइवल ऑफ मानसून, हर किस तरीके से एक वेदर का चेंज, सिर्फ हमें एक वेदर का क्लाइमेट चेंजिंग उन्होंने बताई है लेकिन एक खूबसूरत अंदाज में, और एक फिर जो है उसमें एक ब्यूटीफुल इमेजरी के थ्रू उन्होंने इस पिक्चर को रिप्रेजेंट किया, ठीक है, इस पोम को पेश किया. सो दिस इज़ ऑल अबाउट अराइवल ऑफ मानसून.